चांदा समाज सेवी संगठन स्पेशल युवा एंटी करप्शन टीम रजी के सौजन्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कम्याचा चांदा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संगठन के 34 लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी लम्भुआ महेंद्र श्रीवास्तव और विशेष अतिथि के रूप में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रमेश कुमार मिश्र मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि स्वस्थ लोगों को रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी दूसरे को जीवन दान मिलता है। वहीं उप जिलाधिकारी लम्भुआ महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि रक्तदान महादान है, लोगों को रक्तदान जरूर करना चाहिए। संगठन के उपाध्यक्ष विकास मिश्र ने बताया कि संगठन ऐसे ही अनवरत पुनीत कार्य करता रहेगा, जिससे लोगों की मदद की जा सके। सचिव आशीष ओझा ने भी संगठन के इस कदम को सराहनीय बताया। सभासद प्रतिनिधि रामनगर नगर पंचायत कोइरीपोर विमल शुक्ल ने बताया कि वह भी संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। मौके पर संगठन के विधिक सलाहकार देवेंद्र पाठक, मीडिया प्रभारी राजीव तिवारी, सक्रिय सदस्य सचिन यादव, आदित्य मिश्र, शरद मिश्र, सुचित मिश्र, पंकज तिवारी एवं राजा बया की उपस्थित सराहनीय रही। यूपी लाइव 100 न्यूज से जिला संवाददाता पंकज तिवारी के साथ राजीव तिवारी की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पर स्पेशल युवा एंटी करप्शन टीम के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर उपस्थित सीएमओ सुल्तानपुर, रक्त कोष प्रभारी सुल्तानपुर और चिकित्सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो रक्तदान शिविर किया गया है स्पेशल युवा एंटी करप्शन टीम के बैनर तले, इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि कहा जाता है, रक्तदान महादान। तो अगर आप किसी को रक्तदान दे रहे हैं तो आप उसको जीवन दान दे रहे हैं। और मैंने जो है सुल्तानपुर जनपद में जब से मैं आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि रक्तदान के जो भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ, क्योंकि मैं इससे पहले जो है 12 साल रहा हूँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो वो तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन एक यहाँ पे मैंने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ईएचसी पे, सीएससी पे और यहाँ की जनता जो है ब्लड डोनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। और स्पेशल युवा एंटी करप्शन के द्वारा विगत में भी सीएससी लेवल पे रक्तदान शिविर का आयोजन होता रहा है। आज भी जो है इनके तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी इनसे मैंने पूछा कि कितने लोग जो है ब्लड डोनेट करेंगे, तो इन्होंने बताया कि जो है 43 लोग ऑलरेडी जो है डोनेशन के उसमें हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में, अगर रूरल उसमें मैंने बल्कि डार्म पूछा जो है प्रभारी ब्लड बैंक से, तो उन्होंने बताया कि अगर 10 डोनेशन हो जाता है तो रूरल के लिए अच्छा डोनेशन माना जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में दो लोग जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे मैंने पूछा, तो एक 17वीं बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, एक 30वीं बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि मैक्सिमम संख्या इन लोगों की ये है कि जो कि इतनी जागरूकता है कि वो कतई ब्लड डोनेशन से डरते नहीं और निर्भीक होकर ब्लड डोनेट करते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि इसी तरह से आप पब्लिक में जागरूकता फैलाते रहें और अच्छे काम के लिए आप, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस अच्छे काम के लिए आप सदैव लगे रहें इसी तरह से और जनता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए इसी बाबत हम ब्लड बैंक प्रभारी सुल्तानपुर से बात करते हैं। सर, जो रक्त देने का जो मानक होता है, जो स्वस्थ युवा रक्तदान का